करिश्मा चैनल, आज एक नए इंटरव्यू के साथ हम आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। एंड सरप्राइजिंग ये था, मुझे भी मतलब सुनने के बाद लगा 101 FM से किसी को बिजनेस के आइडिया मिलती है एंड बाय बीइंग आईटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर के काम करने के बाद कोई एग्रीकल्चर में आता है और वो भी सैफ्रॉन की खेती करता है। साउंड लाइक अमेजिंग एंड लाइक अनबिलीवेबल, बट यस इट इज अ ट्रू स्टोरी एंड वी आर हियर टू शो यू हाउ इट कैन बिकम एज अ रियालिटी एंड दैट इज ओनली इन द कंटेनर फार्मिंग। सो वो भी बहुत अलग तरीका है कि एग्रीकल्चर में इतना बड़ा भी इनोवेशन किया जा सकता है एंड दैट इज इटसेल्फ इन पुणे महाराष्ट्र। सो लेट्स मीट विथ Mr. Modak actually here and yes, welcome sir in the channel. Yes, so मैं बहुत सरप्राइज थी एक्चुअली कि मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे ये सब देखना है कि हाउ इट इज बिकमिंग एक्चुअली एंड व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट। कि कोई सैफ्रॉन के बारे में बस इतना पता है कि बहुत महंगा होता है और ऐसे किसी चीजों में ही यूज किया जाता है, तो इसीलिए मतलब इतना डे टू डे नहीं है, बट वो मतलब हम खाने के बारे में इतना कम सोचते हैं तो मतलब वो ग्रो करने के बारे में कब सोचेंगे, बट स्टिल इट इज रियलिटी एंड दे हैव मेड इट। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आई एम शैलेश मोडक, आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे बोल सकते हैं। हां, यस, अभी फिलहाल में 6 साल से एग्रीकल्चर में फार्मर हूं एक्चुअली। ओके, आई एम अ फार्मर। वी कैन से लाइक यू आर अ फार्मर नाउ। आई एम फार्मर एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ फार्मर। दैट्स एक्चुअली गुड थिंग, राइट? और मेरे बैकग्राउंड के बारे में आई टोल्ड यू अबाउट, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 13 साल मैंने सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम किया, अलग अलग कंट्री में काम किया। इंडिया में आने के बाद फिर मैंने एग्रीकल्चर में जंप किया। मेरा पहला बिजनेस हनी का था। मैंने जैसे आपसे बात किया कि मैं हनी के बॉक्सेस रेंट पे देता था, तो उससे मेरा एक बिजनेस बिल्ड हुआ। और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम किया और वो काम करते समय ये कंटेनर का आइडिया है और उसमें फिर हमने खेती करना शुरू किया और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे हमने फीक जो अंजीर है वो भी लिए और अभी लास्ट टाइम आप जो देख रहे सैफ्रॉन ले रहे हैं यहाँ पे। फॉर द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है ना कि लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टअप एक्चुअली, दे वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक डिफरेंट। कुछ लोग जॉब में होंगे, इंजीनियर होंगे, मेडिकल डॉक्टर भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है ना कि आइडिया कैसे जनरेट हो जाए, मतलब वो आइडिया कहाँ से, क्या बिजनेस करूं मैं, वहां पे ही अटक जाते हैं। सो इट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली विथ यू, सो कैन यू जस्ट ब्रीफ इट लाइक कि FM से आपको आइडिया कैसे मिली? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो फॉर द आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू, सॉफ्टवेयर छोड़ने के बाद 13.5 साल छोड़ने के बाद मुझे नहीं पता था कि जैसे आपने बोला ना आइडिया कैसे आती है, वैसे हर रोज आती थी। तो सेम आपका भी प्रॉब्लम वही था, सबका प्रॉब्लम वैसे रहता था। तो आइडिया कैसे आई, मैं ढूंढता था गाड़ी में बैठ के, हाईवे पे आ रही मुझे आइडिया आ जाए कुछ अलग ऐसे ढूंढता था। बट लक ऐसा अच्छा था कि FM जो रेडियो चैनल है वहाँ पे मैं गाड़ी में बैठा था, रेडियो चैनल पे वो स्टोरी चल रहा था अबाउट हनी बी का। तो वो सुना मैंने कि अरे यार हनी बी के बारे में दे आर सेइंग कि हनी बी इज नॉट देयर ना, दिस वर्ल्ड विल नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, ऐसे 4 साल के बाद ये पूरा नहीं रहेगा। तो आई दैट क्यूरियोसिटी ड्राइव मी हियर एक्चुअली, तो वो क्यूरियोसिटी था तो मैं वहां पे गया खादीग्राम उद्योग, वहां पे ट्रेनिंग लिया और जाना कि हनी बी कैसे काम करता है। तो बट वहां पे गैप समझ में आया कि एग्रीकल्चर का, वहां पे मुझे समझ में आया कि एग्रीकल्चर का मेजर इशू हनी का नहीं है, मेजर इशू है पॉलिनेशन। जो परागी बोन मराठी में बोलते हैं एक्चुअली, तो पॉलिनेशन इज अ मेजर इशू और 90% पॉलिनेशन आर डन बाय हनी बीज, राइट? एंड हनी बी नहीं, मैं बोला यहाँ पे बड़ा गैप दिख रहा है तो मैंने हनी बी, राइट? तो मैंने हनी बी का, हनी बीज रेंट पे दे सकते हैं फार्मर को, ऐसे सोचा और वो रेंट का बिजनेस शुरू किया। एक बॉक्स लेके उसमें 10 to 20,000 हनी भी रहते, वो मैं फार्मर को रेंट पे देता था, पॉलिनेशन भी हो जाता था और बिजनेस मेरा रेंट मिलता था और प्लस मतलब अदर बाय प्रोडक्ट्स आल्सो, हनी मिलता था, पोलन वैक्स भी मतलब आया उसमें, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली। तो काफी अच्छा वो एक्सपीरियंस मिला और वहां पे एग्रीकल्चर का टच हुआ एक्चुअली। ओके, राइट? तो वो बट एज यू सी लाइक मतलब बिफोर इंटरव्यू आल्सो वी हैव डिस्कस बहुत सारी बातें हमने की, तो उसमें है ना कि लाइक बहुत लोग, सारे लोगों को सक्सेस दिखता है कि अ गुड ग्राफ इज एक्चुअली ऐसे गया, लेकिन वो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारी चीजों का आपने फेस भी किया होगा। हमने भी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉब्लम तो देखो मैंने जैसे बोला हनी बी का तो सारा आ ही रहा था, हनी बी आ रहा था, सब आ रहा, तो सारी उंगलियां हनी में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा था। बट बैकग्राउंड थोड़ा अलग है उसका, मीन्स था बट
ये बिजनेस रात का था. Okay. मीन्स हमको हनी के जो बॉक्सेस वो रात को फार्म में लेके मूव करने पड़ते. यू नीड टू ट्रैवल दैट फ्रॉम एट द नाइट ओनली, बिकॉज दिन में हनी भी बाहर रहती है और रात को ही बॉक्स के अंदर रहती है, तभी हमको ट्रैवल करना पड़ता. और वो जो चैलेंज था वहाँ पे मुझे वर्कर का इशू फेस हुआ क्योंकि आदमी नहीं मिले. नॉट रेडी टू, नहीं दे आर नॉट रेडी क्योंकि हनी भी काटती है एक्चुअली. राइट, तो हनी भी कौन ड्रेस लगाना है, पैसे दे के भी नहीं आते थे कि यार काटती इसलिए. राइट, तो मुझे ही करना पड़ता था मेजरली. और जाते समय आपको मैंने दो तीन इंसिडेंट भी बोले, तो जाते समय बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी आपने भी फेस किया है, काटना वगैरह क्या होता है. काटना होता है रात को हनी भी जाते समय, क्योंकि रात को 2:30 बजे के टाइम रहता है जहाँ पे हम मुंह करते हैं फार्म में, वहाँ पे अंधेरा रहता है खेतों में, रोड अच्छे नहीं रहते. तो जो गाड़ी चलती है वो बम्पिंग होती है. आपने बोला वैसे सारी पेटियां खुल गई, खुल जाती थी रात को. राइट, और वहाँ पे फिर हनी भी काटने लगी तो ड्राइवर भाग जाता था, हमें चादर लेके खेतों में रहता था. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट दैट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं ना, मीन्स वो थॉट प्रोसेस का डाइवर्सिफिकेशन. Right. वहाँ पे एग्रीकल्चर में ज्यादा शुरू हो गया. Okay. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट जागा, खेतों में फार्मर से मिला, उनका क्या प्रॉब्लम रहता है वो आइडेंटिफाई. सो यू अंडरस्टैंड दैट लाइक इन द वेरी क्लोज वे, मतलब फार्मर एक्चुअली करता क्या है और उसके लिए क्या क्या मतलब चीजें लगती है. तो वहां से फिर एंड दैट्स एक्चुअली अमेजिंग. मतलब मुझे भी ऐसा लगा ना कि जिस चीजों के लिए आप जाते हो, मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपने काम बहुत कुछ अलग किया था और वो टोटली डिफरेंट फील्ड है. एक्चुअली फार्मिंग इज एक्चुअली टोटल डिफरेंट, बट स्टिल यू हैव डेवलप दैट इंटरेस्ट टू कनेक्ट विद देम, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, एंड देयर एक्चुअली यू स्ट्राइक द बिजनेस आइडिया. सो हाउ दिस आइडिया केम, लाइक हाइड्रोपोनिक आप कर सकते हैं. अभी आप तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक का अभी वो जर्नी काफी अलग था. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी करते थे हम लोग. तो हाइड्रोपोनिक का कैसा था कि जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता था तब एक कंटेनर से पहचान हो गया एक्चुअली. तो हमने सोचा है कि यार एनवायरमेंट हम पॉलीहाउस में कर सकते हैं. Okay. या कंट्रोल एनवायरमेंट में कंटेनर में क्यों ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको खेतों में कुछ भी प्रोडक्ट ले एंड ऑफ द डे हमको मार्केट में बेचने के लिए सिटी में आना पड़ता है. हाँ. तो मुझे बोला यार मूवेबल फार्म करते हैं. Okay. खेत कहीं पे भी जाके तो मूवेबल फार्म, तो कंटेनर इज द बेस्ट ऑप्शन. तो वो स्टडी किया और उसमें सारा जो सिस्टम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सिस्टम बना है. और पेड़ों को चार पांच ही चीजें लगती है मैडम. Okay. वो अगर दिया ना तो पेड़ तो आना ही. ये साइंस है, ये रॉकेट साइंस नहीं, ये साइंस है. ताकि तो बेसिक साइंस हमने स्टडी किया, वो सिस्टम बनाया. और यहाँ पे लीफी वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे क्रॉप हमने हर्ब्स वगैरह तो भी यहाँ पे लिए. और ये स्टार्ट हो गया. फिर लास्ट ईयर से हम सैफ्रॉन ले रहे हैं. सैफ्रॉन में मतलब सो दिस एक्चुअली द वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट दे गॉट. और मुझे बहुत मतलब ये सरप्राइजिंग था ना कि सुन के भी 101 FM से उनको पता चला कि चलो हनी बी का भी बिजनेस हो सकता है. बट एक क्वालिटी उनकी जो हमें यहाँ पे नजर आती है ना कि लाइक दे हैव लाइक है ना कि पीछे पड़े रहे उसको, ऐसे नहीं कि छोड़ो या फिर सोचो और उसमें दिमाग में लोग है ना कि प्लस और माइनस यहाँ पे ही करो और बाकी जीरो कि करना ही नहीं है कुछ. But you have that quality like and this is actually good inspiration for the me and the others also. कि जो भी आप सोचते हो उसको पहले करो, उसमें प्लस माइनस देखो, एक्सपीरियंस लो, एंड फिर शायद आपको वहां से कहाँ पे टर्निंग पॉइंट मिलेगा आपको भी नहीं पता चलेगा. एंड योर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जर्नी इज ऑल्सो अमेजिंग एक्चुअली वी हैव लाइक लिसन. सो दे हैव ट्राइड. और इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की स्टोरी में मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन टू द कट शॉर्ट अगर मैं कहूँ उनके लिए कि उन्होंने जब भी सोचा कि चलो हम एक्सपोर्ट में कुछ करते हैं क्योंकि हनी भी अभी नहीं मतलब आगे नहीं लेके जा रहे, तो उन्होंने एक अच्छी बात है ना कि जो मैं हमेशा बताती भी हूँ, इवन आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सेम, कि अगर आपको लगे कि चलो मुझे इसमें करना है तो उसको लेके आगे चलो. मतलब डोंट थिंक एंड एनालिस करके यहाँ पे ही खत्म मत करो. लाइक यू दे हैव थिंक अबाउट द ओके चलो मैं कुछ करता हूँ, तो दे हैव ट्रेवल टू कंबोडिया फॉर दैट. वहां पे जो उनका फ्रेंड था, नेटवर्क कैसे बनता है इसका भी एक्चुअली बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ. एंड बिजनेस इज नथिंग अबाउट द जस्ट नेटवर्किंग एक्चुअली. तो उन जो भी वो उनके जॉब में जब वहां पे थे तब उन्होंने वहां पे किसी को हेल्प की थी. उस बंदे ने अभी इतने सालों के बाद जब उन्होंने सोचा कि मुझे कंबोडिया में कुछ कर सकता हूँ क्या, तो उस बंदे ने फिर उनको हेल्प की. सो दिस इज एक्चुअली लाइक ना कि करते जाओ, कभी कभी तो मतलब वो आगे आएगा आपके लिए. और फिर आफ्टर दैट लाइक कि कंटेनर देखने के बाद और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के बाद उनको आइडिया आया कि चलो हम कंटेनर में खेती क्यों ना करें. एंड दैट इज एक्चुअली द सैफ्रॉन का बर्थ हुआ है वैसे कह सकते हैं हम. And yes, he is a saffron man in India. We can say like that. So you can see here, like उन्होंने ये जो भी कंटेनर का मतलब ये दिख रहे हैं आपको ही, वी आर एक्चुअली इन द कंटेनर नाउ. ये सारा कंटेनर में है और ये कंटेनर का सेटअप है पूरा.
सो उनका जो सेटअप है यू कैन सी हियर कि ये सारी चीजें है. मैं आपको यू कैन एक्सप्लेन. ये जो 8x40 स्क्वायर फीट का कंटेनर है यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ पे सारे सिस्टम सीडिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारा अंदर ही होता है एक्चुअली. राइट, वैसा सिस्टम हमको चाहिए था. राइट, तो यहाँ पे ये जो ये जर्मिनेशन यूनिट है यहाँ पे जर्मिनेट होता है एक्चुअली क्रॉप. तो ये मतलब इट्स लैब लाइक लैबोरेटरी टाइप. आप देखने को लगता है लैबोरेटरी टाइप बट दिस इज अ जर्मिनेशन यूनिट एक्चुअली. खेतों में भी यहाँ पे बनाते हैं. यहाँ पे सीडिंग होता है, सीडिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारा होता है. यहाँ पे सीडिंग करते हैं 25 डेज का क्रॉप होने के बाद. अब यहाँ पे देख रहे होगी ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप फाइनली मतलब फाइनली आता है यहाँ पे. तो कम से कम 320 स्क्वायर फीट में हम मोर देन 4000 प्लांट ले सकते हैं 45 डेज में. वो उसका कैपेसिटी है एक्चुअली गुड. और ये सारा ऑटोमेट किया क्योंकि आदमी थ्रू मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तो वो यहाँ पे तो होता है ना कि वो आपका बैकग्राउंड कभी वेस्ट नहीं जाता, वो भी आपको काम में आता है उसके लिए. ऑल थिंग्स यू आर मैनेजिंग ऑन योर फोन इन द होम आल्सो. राइट, जब भी आप घर पे होते तब भी आप मैनेज कर सकते हैं. यहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं तो घर से ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पानी देना वगैरह सब वो सब आप मैनेज करते हैं. दैट्स गुड पार्ट एक्चुअली. So, ये अभी बना हुआ सैफ्रन. हाँ, यहाँ पे ये सैफ्रन के बल्ब्स रहते हैं, ये सैफ्रन का सीड बोलते हैं उसको. और ये फ्लावर आ जाते हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा. हाँ, 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 बट ये सैफ्रन के सीड रहते हैं, वो हम लेके आते हैं कश्मीर से. ओके. लास्ट ईयर में हमने हमारे भी सीड बनाए, बट ये सीड लाके हम डायरेक्टली कंटेनर में रखते हैं. मैं आपको वो सेटअप दिखाता हूँ तो यू विल गेट एन आइडिया एग्जैक्टली कि कहाँ पे कैसे होता है. तो ये कंटेनर को हमने हाफ में, ये सर आपका हाइड्रोपोनिक है. हाँ, ये हाइड्रोपोनिक है. ऐसे उसको ऐसे निकालते हैं और इसमें हम लीफी करते हैं. बीच में सीड है और लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पे. हमने सैफ्रन भी ट्राई किया वर्टिकली, बट लीफी काफी अच्छा आता है इसमें. तो फिर ये कंटेनर को हाफ में वी हैव डिवाइडेड दिस कंटेनर टू हाफ पार्ट. और वहाँ पे 40 फीट कंटेनर का 20-20 ऐसे मतलब ये. तो ये यहाँ पे ठीक है. तो दिस थिंग यहाँ पे रैक सिस्टम बनाया और सैफ्रन के ये सीड लाके हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिए. तो इससे ही वो फ्लावर आता है. यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लावरिंग खत्म हुआ ऑलमोस्ट, बट थोड़ा थोड़ा बचा है. तो ये वाला येलो वाला जो है ये मेल पार्ट है उसका एक्चुअली. ये सैफ्रन है, ये जो रेड वाला है दिस इज सैफ्रन है. ओके. राइट, मिनिमम 75,000 से 1 केजी. मेल पार्ट का भी कुछ किया जाता है या? मेल पार्ट भी यूज होता है एक्चुअली, उसमें वो फार्मा में वगैरह यूज होता है एक्चुअली अलग अलग कंपनी. वी हैव द मार्केट फॉर द बोथ पेटल्स के लिए भी है इसके लिए भी है, बट उसके लिए ज्यादा मार्केट नहीं येलो के लिए, बट बाकी सैफ्रन और पेटल्स के लिए काफी अच्छा. So, पेटल्स का मतलब कहाँ पे? पेटल जनरली आप देखा जाए तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में और वही सोप वगैरह जो इंडस्ट्री है ना उसमें भी काफी अच्छा है. वहाँ पे भी जाते हैं क्योंकि आप देख रहे होगे ना सोप में ये फ्लावर भी डाल के ये करते हैं इसका. तो वहाँ पे भी मतलब इसका यूज किया जाता है. और अभी सैफ्रन जो आप भी जो भी आप ग्रो करते हो, सो वेयर हु इज द टारगेट मार्केट फॉर? एक्चुअली क्या है ना, जनरली लेट्यूस का हमने जब मार्केटिंग किया ना तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि क्या था कि लोगों को समझाना पड़ता है लेट्यूस है उसको खाने से ये बेनिफिट होता है इसलिए. सैफ्रन जो है ना हमारे दादी माँ से लेके अभी तो सबको पता है. और मेजरली कैसे घर में प्रेगनेंसी कोई ना कोई ज्यादा यूज होता है, बट थॉट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन कल्चरल में सैफ्रन पहले से नोन है. तो वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग फेस्टिवल सीजन में हो, फेस्टिवल में हो, खाने में हो, बिरयानी वगैरह उस सब में यूज होता है. राइट, और इंडियन कल्चर में ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे होते हैं जैसे हवन, ये वो पूजा पाठ. तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे कोजागिरी पूर्णिमा वगैरह होती है, आपने देखा रहेगा. बाय कल्चर ओनली वी आर अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट. इसको मार्केटिंग करना इज नॉट सो डिफिकल्ट पड़ा हमको. और यहाँ पे जनरली आता है तो लोग यहाँ से देखते हैं कि यार दिस इज अ जेन्युइन, क्योंकि ये पहला क्योंकि सामने ग्रो हो रहा है आपके. तो यस, ये 5 लाख रुपीज केजी के हिसाब से मिनिमम कॉस्ट बिकता है. हमने बहुत हाई कॉस्ट में भी बेचा है, बट 5 लाख रुपीज केजी के हिसाब से बिकता है. अगर उसमें भी देखा जाए तो मेजरली लोग छोटे छोटे इसमें भी बहुत सारी मिलावट होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है. तो यहाँ पे हमारा जेन्युइनिटी हो जाता है एक्चुअली, तो वही हम निकाल के सेल करते हैं. तो मार्केट नॉट एन इश्यू, हमको तो भी अभी मेजर इश्यू नहीं. सो यू कैन टारगेट टू लाइक सच थिंग्स, मतलब डॉक्टर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ जाते हैं, फूड इंडस्ट्री के साथ. बी2सी में भी काफी अच्छा होता है क्योंकि एक बार नोन हुआ ना लोगों के यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब
बी एंड बी टू सी बोथ मार्केट्स आते हैं एंड ई कॉमर्स के थ्रू भी मतलब अमेज़न के थ्रू भी आता है, अमेज़न से भी होता है ज्यादा सेल होता है क्योंकि पूरा मार्केट ओपन है ना पूरा इंडिया। सो अगर मतलब किसी को ये सैफ्रॉन की खेती करनी है तो हाउ यू कैन लाइक हम गाइड भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं जनरली कि हमको सिखाओ कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए भी एक बिजनेस मॉडल है हमारा एजुकेशन बेस्ड, बट दैट इज नॉट अवर फाइनल मॉडल, बट एक एजुकेशन टू लाइक हेल्प पीपल टू हरेक को फोन पे गाइड करना इज डिफिकल्ट, तो हम एक बैच लेके उनको डिफिकल्ट करते हैं, तो हमारा वेबसाइट है www365dfarm.com उस पे हम अपडेट करते रहते हैं कि वर्कशॉप प्रोग्राम कौन से वो दो दिन का रहता है, वो उसमें सारे डिस्कस करते हैं कॉस्ट क्या लगता है, आरओआई क्या है, सस्टेनेबल मतलब सारी चीजें हम तो ये सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो एक ट्रेनिंग पार्ट हुआ तो वहाँ पे हम गाइड करते हैं। अगर किसी को बनाना है तो हमारे वी आर वर्किंग ऑन फ्रेंचाइजी मॉडल आल्सो राइट नाउ, तो धीरे धीरे वो लॉन्च करेंगे, वो है सीड का भी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सीड कैसे हेल्प करे जो भी करे क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऑफ ईच एंड एवरी डिवाइसेस, तो हम भी कनेक्ट है अच्छे अच्छे लोगों से कि जिसके साथ करके मतलब कैसे हो सकता है। सो इन दिस होल जर्नी एक्चुअली इट इज नॉट सो इजी कह सकते हैं हम कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू द एंटरप्रेन्योर एंड दैट इज आल्सो द सैफ्रॉन एंड वो भी फार्मिंग में, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस एक्चुअली? जैसे मैंने अभी चैलेंज वो बोला एग्रीकल्चर में जाने का, वो फिजिकल चैलेंज रहा, मेंटल चैलेंज, मतलब मेंटल चैलेंजेस भी काफी आते हैं, इकोनॉमिकल भी आ जाता है कभी कभी क्योंकि ये सारा खड़ा करने के लिए पैसे फंडिंग का तो इश्यू होता ही एक्चुअली, तो वो एक मेजर चैलेंज होता है। बट सबसे ज्यादा चैलेंज ऐसा रहता है कि अनसर्टिनिटी बहुत रहता है, एग्रीकल्चर का दूसरा नाम अनसर्टिनिटी, ये क्रॉप है उसके अंदर से बल्ब आएगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर, वी नीड टू गिव ईच एंड एवरीथिंग दैट क्रॉप, हमें हमारा काम करना है, वो अपना काम करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे अनसर्टेनिटी। जैसे फ्लावर मैंने भी देखा नहीं था, फ्लावर फर्स्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे लिया तब देखा फ्लावर एक्चुअली, तो वो जो जर्नी का जो वेटिंग पीरियड था ना 3 महीने का फ्लावर आने तक का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग था, तो वो पेशेंस बोल सकते हैं उसमें, मतलब वो आपको चाहिए, तो वो गुड क्वालिटी एक्चुअली एवरीवन शुड हैव स्पेशली इन एग्रीकल्चर, तो ज्यादा ही चाहिए, तो वो एक है। ओके, तो इसका लीड टाइम क्या है, मतलब व्हेन यू प्लांट अ सीड? अगस्त में लगाते हैं, अगस्त में सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्ट करते हैं, नवंबर दिसंबर हार्वेस्ट करते हैं इसका, और उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मिट्टी में डाल के इसके बीज बनाते हैं, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल को अप्रैल तक ये बीज का काम करता है मिट्टी में, बीज बनाते हैं इसका, मीडिया मिट्टी या कोई भी मीडिया उसमें, उसके बाद वो डॉर्मेंसी में जाता है, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का अंडर का सॉइल रहता है और डॉर्मेंसी कुछ नहीं होता है, फिर अगस्त में फिर से जाके यहाँ पे मतलब इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। सो व्हाट आर द लाइक टू द ऑडियंस जो भी मतलब नया बिजनेस करने वाले, नॉट अबाउट द सैफ्रॉन और द सैफ्रॉन व्हाटएवर इट इज, सो व्हाट आर द लाइक एनी 2-3 एडवाइसेस यू कैन गिव देम? I am not that person की बहुत successful है, advice दे पाऊँ, but I share my experience की अगर agriculture में आना चाहते हो तो first thing is that कि आपको patience रखना पड़ेगा क्योंकि agriculture है, then क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि parameter proper देना, बाकी natural process है, actually वो तो होने वाले हैं, तो वो एक patience रखना पड़ेगा, इनफैक्ट दैट इज द मेन थिंग। दूसरा है कि हमको थोड़ा मार्केटिंग भी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको मार्केटिंग तो एंड ऑफ द डे, हाँ, तो मार्केटिंग में भी हमको देखना पड़ेगा, तो जो भी कुछ बिजनेस करेगा तो स्टार्टिंग में ही मार्केटिंग को अगर इंक्लूड करके हमने बिजनेस किया सो वो एक बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर का देखा ना, इज अ वाव फैक्टर एक्चुअली राइट, तो कंटेनर में खेती किया सो दैट इज अ मार्केटिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग तो ऐसा कुछ तो एक वाव फैक्टर लाना जरूरी है, तो वो किया तो काफी अच्छा बिजनेस बिल्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंस, बाकी तो आपको पता है कि लगे रहना पड़ता है इसमें, दैट इज द मेन, दैट इज एक्चुअली द मेन थिंग वी कैन से, लाइक लगे रहो, कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ तो होना है, राइट, कुछ तो होना है, दैट इज ओके, क्योंकि कहां से कहां से आ सकते हैं वी डोंट नो, इवन आपकी स्टोरी ही उसका एग्जांपल है कि हम कहां से कहां आ सकते हैं। एंड यस डेफिनेटली आई थिंक लाइक ये जो भी आप कर रहे हो उसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट भी उतना बड़ा है, and you are getting that kind of things also, orders, right, right, तो यहां पे भी एक सेटअप है, मैं आपको वहां का भी
तो अभी हम ये भी देखेंगे, मतलब अलग सेटअप है ये सैफ्रॉन का ही, यहाँ पे अलग से फ्लावर्स भी है और बहुत सारे आपने निकाले भी है। राइट, बहुत सारा यहाँ पे हुआ है हार्वेस्टिंग, एक रीफ्लावरिंग का चल रहा है, तो ये कम से कम अभी चलेगा एक वीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही सेटअप है जो कंटेनर का, यहाँ पे भी सेम ही सेटअप है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने, मतलब थोड़ा सा ज्यादा किया है। तो ये सारे जो फ्लावर है, मतलब हम आप कैसे पहचानते हो ये मैच्योर हुए है या ये ऑलरेडी मैच्योर हुआ है, उसको निकालने में से मैच्योर हो गया है, आपको पत्ते दिख रहे हो गए ना, तो ये नहीं है, तो ये ऑलरेडी ऐसे फ्लावर ही निकाला जाएगा। हाँ, ये इससे हम कैसा करते है इसको, ये पूरा फ्लावर ऐसे निकालते हैं और उसमें से पत्ते अलग करते हैं, फिर ये मेल पार्ट अलग होगा। हाँ, फिर ये फीमेल, ये और ये सैफ्रॉन है, बाद में हम ऐसे सैफ्रॉन अलग करके उसको ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये सैफ्रॉन। वाओ, तो सैफ्रॉन की क्वालिटी कैसे पहचानी जाए? हाँ, वैसे देखा जाए तो क्वालिटी के लिए तीन ही फैक्टर है सैफ्रॉन के अंदर, प्रोक्रोसिन, क्रोसिन और सैफ्रॉनल। ये भी लैब में डालने के बाद हमको पता चलता है, जनरल नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे कलर के दिखेंगे और उसको कहेंगे सैफ्रॉन है, वही इशू है थोड़ा सा, बट लैब थ्रू ही पता चलेगा, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री ऐसे कैसे, मतलब कैटेगरी रहता है उसका। That's a good part actually. So we have seen all the things about the saffron and how a IT engineer become the farmer actually, we can say. And this is actually the farming and you are the farmer. And this is a great actually, like being a farmer, that's actually the proud moment. Right. So एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत सारे इनोवेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन आपको और इंडिया को बहुत आगे तक लेके जाएगी। एंड वी हैव दैट ऑल द एनवायरमेंट एंड द सस्टेनेबिलिटी एंड बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है एंड इवन द सपोर्ट इज ऑल्सो देयर, बट है ना कि बस थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली एंड जस्ट टेक एक्शन। सो थैंक यू सो मच सर बीइंग हियर एंड आपने अपना जो टाइम दिया और इतने सारी चीजों के बारे में मुझे जानकारी मिली एंड यस होप आपको भी मतलब उतनी सारी बातें पता चली होगी। विद दिस ऑल टेक अवे वी आर मूविंग अवे अहेड टू द नेक्स्ट इंटरव्यू, तब तक के लिए जस्ट टेक एक्शन एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच।